देखिए लुप्तिकरण विधि है, एक्स प्लस वाई इजकल टू क्या है 14, एक्स माइनस वाई इजकल टू है 4। तो इसको हल में लेकर चलेंगे हम, एक्स प्लस वाई इजकल टू यहाँ पर 14 हो गया और एक्स माइनस वाई इजकल टू क्या हो जाएगा 4। ठीक है, तो एक्स प्लस वाई इजकल टू यहाँ पर 14 हो गया, तो एक्स माइनस वाई इजकल टू क्या हो जाएगा 4। इसको हम मानेंगे समीकरण फर्स्ट, इसको क्या मानेंगे समीकरण सेकेंड। अब देखिए दोनों यहाँ पे बराबर है, तो अगर बराबर रहता है तो काट देंगे, ना तो फिर कोई अंक रहता है तो यहाँ पे ला कर गुणा करते, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। अब देखिए यहाँ पे कि प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा। अब देखिए क्या करेंगे, दोनों कट गया तो एक्स एक्स जुटेगा तो क्या हो जाएगा मेरा, एक्स एक्स जुटेगा तो हो जाएगा 2x बराबर 14, 4 कितना होता है 18। तो x का मान कितना हो गया 18/2, इसको काट देंगे तो कितना हो जाएगा 9, कितना हो जाएगा 9। तो x का मान कितना निकल गया मेरा 9। आगे चलेंगे समीकरण y का मान निकालने के लिए, समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर, समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर, तो समीकरण फर्स्ट क्या है, x प्लस वाई इजकल टू आपका 14 है, तो x का मान कितना आया 9, और प्लस y इजकल टू क्या हो गया 14, y इजकल टू क्या हो गया आपका 14, तो y इजकल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे 14, ये प्लस में इधर लाएंगे तो काची में हो जाएगा माइनस में, तो y इजकल टू कितना निकल गया यहाँ पे, y इजकल टू क्या निकल गया 5 निकल गया। देख रहे हैं x का मान कितना हो गया मेरा, x का मान देखिए यहाँ पे कितना है 9, कितना है 9, और y का मान क्या आ गया आपका 5। तो टोटल मैथ इसी तरह से आप बना सकते हैं।